नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ऑनलाइन रोड टैक्स आप अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा कैसे भर सकते हैं। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और हम चलते हैं दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और ओपन कर लेते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट। दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाकर अपना रोड टैक्स पे कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है parivahan.gov.in, हमने वो टाइप कर लिया है और अब भी हम उसे सर्च कर लेते हैं। दोस्तों, सर्चिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट का साइट है तो कभी कभी डाउन भी रहता है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ, तो दोबारा से हम इसे रीलोड कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बार बार ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने ब्राउज़र का कैचे एंड हिस्ट्री डिलीट करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसा कि दोस्तों हमारा उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो हम यहाँ पर एम परिवहन डाल करके सर्च कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो भी पहला जो लिंक ओपन होता है हम उसी पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा जो परिवहन का पोर्टल ओपन हो जाता है। दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, उसके अंदर देखिए व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपना महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया है तो अभी महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद भी नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए RTO सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम अपना RTO सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर थाने हमें सेलेक्ट करना है तो थाने सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। तो अगर हमें दोस्तों रोड टैक्स पे करना है तो यहाँ पर पे योर टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर हम अपना व्हीकल नंबर मतलब गाड़ी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं एंड वेरीफाई डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा तो जो भी हमारे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल नंबर अवेलेबल है हम यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं और जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं हमारा जो नंबर अभी हमने फिल किया उसी नंबर पर एक OTP आ जाता है तो हमें यहाँ पर वो OTP फिल कर लेना है। जैसा कि दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है तो चलते हैं दोस्तों वो OTP हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और दोस्तों फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारे व्हीकल की सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है तो चलते हैं हम यहाँ पर अपना टैक्स मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम ईयरली टैक्स पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर अपना ईयरली का जो मोड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मोड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसा टोटल जो आपका पेंडिंग जो टैक्सेस है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर हमारा जो 30,240 रुपया पेनल्टी के साथ टोटल टैक्स पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कम भरना है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके टैक्स मोड ईयरली के बजाय क्वार्टरली या हाफ ईयरली सेलेक्ट करके आप उसका भी पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों हमें अभी ईयरली ही पे करना है तो हम ईयरली ही रहने देते हैं और नीचे ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स पे क्लिक करके हम अच्छे से जो डिटेल्स है हमारी व्हीकल की वो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ही है। तो चलते हैं दोस्तों हम ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो भी डिटेल्स है अच्छे से हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने हमारा सारा डिटेल्स चेक कर लिया है, वो सब बराबर है तो नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं और पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोबारा से हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग शो करता है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पेमेंट करने का जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम SBI ईपे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमें SBI का जो पेमेंट गेटवे है उस पर रिडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने देखिए काफ़ी सारे पेमेंट करने के जो ऑप्शन है ओपन हो जाते हैं तो हम यहाँ पर अपना कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं क्योंकि हमें कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है। तो दोस्तों, जैसे हम देखिए कार्ड नंबर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है वीज़ा कार्ड नॉट परमिटेड,
तो चलते हैं दोस्तों, हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों भीम UPI का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो चलते हैं हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं और इंटर UPI ID पे क्लिक करके अपना UPI ID फिल कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा UPI ID वेरीफाई हो जाता है और हमारा UPI ID से लिंक जो एप्लीकेशन है उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि हमने पेटीएम का UPI ID डाला था तो हमारे पेटीएम पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चलते हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम पेमेंट सक्सेसफुल कर लेते हैं तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है, हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों हमने अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है और भी यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस में है, तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा जो पेमेंट स्लिप है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारा पेमेंट वेरीफाई हो चुका है तो हमारे सामने देखिए कुछ रेटिंग के लिए ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो टैक्स रिसिप्ट है वो ओपन हो चुका है। अगर इसका हमें प्रिंट लेना है तो यहीं पे डायरेक्टली हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ अगर हमें इसे PDF में डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम इसका प्रिंट भी ले लेते हैं क्योंकि आजकल गाड़ी के साथ डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो ऑनलाइन भी दिखता है मगर हार्ड कॉपी भी साथ में रखने से कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों हमने टैक्स पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है और रिसिप्ट का प्रिंट भी साथ में ले लिया है। तो दोस्तों दिए गए जानकारी के अनुसार अगर आप संतुष्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।